भाई ये हमारे हसन भाई आज हसबे मामूल बुला के खड़ा किया हुआ है। कब से हम नजला खांसी बुखार में लेटे हुए वापसी आए। क्या बोला कि मैं नहीं आ रहा भाई, मेरी तबियत सिर्फ तुम लोग की वजह से, सिर्फ तुम लोग की वजह। क्या हाल है भाई, हाथ तो मिला लो यार। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अभी भी देर करोगे? लाइवा पतंग का नाम है। हाँ भाई चेक पोस्ट हो गया भाई, ये लो भाई चेक पोस्ट आ गया। ये पहले हसन का घर, उसके बाद रात में बोलते हैं आ जाओ। हाँ ये कॉल उठाना मतलब इनका मोबाइल चलेगा जानवर में। अभी मुबीन भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुबीन भाई की टीम कोने पर खड़ी है। मुबीन भाई ने बोला 12 बजे हम ग्राउंड पर रहेंगे। हम खाली ये देख रहे थे कि टीम इनकी कब निकलेगी। भाई टाइम देखो, ये सिर्फ जो है ना ऐसे नजर आते हैं। इस वजह से फोन नहीं उठाए थे और ना ये बात करना चाहते। देख रहे हो जब तो कोई भी नहीं उठाता फोन। ये देखो चलो भाई निकलने वाली करो यार। भाई 1 बजे आए थे, पौने 1 बजे आए थे, 1 बजे आए थे, 2 बजने वाले भाई। मेरे को पिछले हफ्ते बोल रहे थे कि रात में हसन भाई के रात दिन में बाले भाई की सुबह शक्ल देखिए, मनुष्य छाइए पतंग लेने गए थे भाई। डेढ़ घंटे में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें मैं बोलता था कि हसन बहुत लेट आता है। आपने पादी भाई खुद देखा ना मैं किस वजह से बैठता हूँ। हाँ तो छोड़ के आ जाए करो यार, छोड़ के आना, इनको लेके भी तो आना है। संभाला बल्दियत ली इन लोगों की, क्या करें अबू बोलिए। भाई चलो यार, अब ये हमारे यहाँ भाई देखो भाई बोलने मैं नहीं जा रहा, मैं शादी कर रहा हूँ दूसरी। ये देखो नहीं यार टेंशन हो रही है। चलो अच्छी बात है, 4 कर सकते हैं यार, क्या मसला है। कवर दे दिया, कवर कर दिया, कवर कर दिया। मेरे पे नहीं आओ, मैं बाइक वाला बंदा बेचारा जो ना होने वाली के फर्नीचर उठा रहे हैं। देखो भाई मैं वो फर्नीचर वाली बात का तो मैं भी गवाह हूँ। बटर मक्खन की किरमे खा रहे हैं चले यार, अब निकल लाली करो चलो भाई निकलो यार। अल्लाह करे हर पतंग उड़े और हर पतंग टूटे, बच्चे सदियां भी तोड़े। अजीत भाई तू दे रहा है ज्यादा दूर है ना, लोग लूटे किसी का माल का जाया नुकसान ना भाई। तो चले ना मैं सर, माल हम बचा रहे हैं हमें साथ है। अजीत भाई यार जमाई ने बात कहूं आपको वहां पे एक मुझे ये चांस पड़ी भाई ने बहुत शौक खराब ना पड़ी हुई है। सही बात है भाई, दुआ आपने कहा लेकिन दुआ की फजीलत उसी होती है जो आमीन के और आमीन कहने वाला वही करा वाला हो ये भाई हमारे हरीफ भाई का सामान देखे भाई आज क्या ग्राउंड ले आने के लिए लेकर आए हो क्या? अबे हरीफ भाई क्यों संभाल के रखा हुआ है भाई खजाना, ये बम के गोले कभी भी फट सकते हैं, इनको उड़ा के जाया करो भाई। मुझे लग रहा है धार लगाई है, धार लगी है भाई। आज भाभी के जेब में से कुछ सामान बिका है। एक सोने की चेन बेची चूड़ी हो गई तेरी बेची। हां भाई हां दोनों भाइयों की शक्ल आप इधर आओ ना बराबर आओ ना। ये दोनों भाई हैं भाई, हम नहीं है। जेब उठाते हुए इन्होंने लॉकेट मारा था भाई। 20 वे भाई ये क्या कर रहे हो अंडोरो का भाई? नाज़रीन भाई एंट्री मार दी आज हमने नमक के ऊपर पिछले 2 हफ्तों के बाद। भाई शॉप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शॉप हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। अभी आपको अपडेट देंगे थोड़ी देर बाद क्या आ रहे कोई आया।
नाजरीन चलते हैं बेच के जाने। समीर बेच दे रहे हैं ऊपर से कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से हैं। पतंग दोनों पट्टी का मुड़ रही है। मुकाबला हमारा आज मुबीन भाई की टीम के साथ है। एक पेंच से हम ऊपर हैं, दो पेंच से ऊपर है, एक पेंच से, एक पेंच से ऊपर है। नीचे वाली पतंग कैमरे के उल्टे हाथ की तरफ से। समीर की पतंग टूट गई, पेंच माना जाएगा क्योंकि पेंच बना हुआ था और समीर की पतंग टूट गई है तो पेंच उनके हक में आ गया। ऑटोमेटिक किस्मत वाला पेंच उनके हक में आ गया। अब वाले भाई पतंग छोड़ेंगे, छोड़ दिए वाले भाई ने वी आई पी पट्टी कम। आज जो पेंच हुए पट्टी कम गई पेंच है टोटली। पाना उड़ाना चाहे तो उड़ा भी सकते हैं। समीर क्या हुआ इस पेंच में यार, क्या हुआ, गीटा वीटा अटके के क्या कुछ हुआ है? हाँ लो भाई बाले भाई की भी पतंग टूट गई। बाले भाई जान लगाओ, जान लगाओ, भागो भागो भागो। ले भाई यहीं से डोर पकड़ ली। तो भाई ये सीन है, आज बाले भाई मैं और समीर हम तीन बंदे हैं सिर्फ। तो वीडियो के पेज में थोड़े कम बना सकूँगा क्योंकि पतंग उड़ानी भी है तो, पर फिर भी आपको पेज प्रॉपर दिखाएंगे जरूर। चले भाई मेरी बारी पतंग उड़ाने की। नाजरीन एक और पेंच मिला था, फरमाइए। बाले भाई का पेंच है, नीचे से पेंच ले रहे हैं, कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से हैं। अपोनेंट पार्टी ऊपर से पेंच ले रही है। अभी बाले भाई ने बहुत प्यारा पेंच काटा है और अब ऊपर से बुलाया है। बाले भाई ने ऊपर से ही पेंच काटा है, बहुत प्यारा पेंच दिखाया। ये दूसरा पेंच है बाले भाई का इस पतंग से। देखते हैं इस पेंच में कौन किसको काटेगा। बाले भाई अंदर बाहर दिखा रहे हैं, ये आपका अपोनेंट अंदर दिखाई, वाले भाई ने ऊपर दिखाई, पेंच फंस गया और वाले भाई लगते ही गए रात ही कट गए। वाले भाई कटते लगते ही कट गए, आप फंसते ही कट गए। चले भाई अब अपना पेंच है भाई, अब हम हमारी बारी है भाई। मेरे पेंच की आप लोग वीडियो नहीं देखते, ऐसे देख लो, ये मेरी पतंग ये अभी काट के खड़ी होगी दोबारा। हमारे राशिद उस्ताद भी आ गए भाई। राशिद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? क्या रिपोर्ट है ग्राउंड की? ग्राउंड ये खुला हुआ, हम तो पहले कर रहे ग्राउंड खुला हुआ खाली, बस मुर्गे मसाइल चल रहे थे आपस में, इतनी टीमें बढ़ गई थी। हाँ खाली हो गया पूरा ग्राउंड भाई। अभी भी तीन चार बंदे हैं टीम में, तीन चार ही होंगे अभी, तीन चार टीम है वो उड़ा रहे हैं। वाले भाई पेंच कर रहे हैं। वाले भाई अब ये ऊपर हो गए वो लोग ऐसे हमसे। हाँ नहीं तो उसी पर अच्छी पतंग उड़ा रहे हैं, गलती हो गई पतंग जो है ना, उनकी डोर इतनी टाइट है। मैंने बोला आप डोर छोड़ूँ, उससे पहले ही निकल गया मैं, चार पेंच काट के फिर एक कट गया। चले भाई बाले भाई का पेंच दिखाएंगे आपको थोड़ी पेंच बस पता है। अरे ये तो दूसरा पेंच है इनका, अगर पहली वाली पेंच, पहली वाली जो पतंग हुई थी ना, पहली वाली से उन्होंने चार काटे थे, चार काट दिए मैंने, इससे थोड़ी काटे। चले भाई बाले भाई का पेंच बन जाए फिर आपको दिखाते हैं। एक और पेंच मिला था फरमाइए। बाले भाई का इस पतंग तो दूसरा पेंच है, नीचे से पेंच ले रहे हैं, कैमरे के सीधे आगे तरफ से हैं और ऊपर से अपोनेंट पार्टी राशिद भाई नहीं है, बाले ने सीधी दिखाई और पेंच फंसा लिया, पेंच फंसा लिया है। और अब दोबारा बाले भाई ने डबल करी और जहाँ डबल नहीं करनी चाहिए थी वहाँ इन्होंने डबल कर दी और इनका झोल था अगले अपोनेंट का और वो बाले भाई कट गए। बाले भाई डबल नहीं करते यहाँ पे, चला रहे थे हमारे राशिद भाई दिखा रहे हैं उनको चरही। अब हमारी दोबारा से बारी आ गई, समीर के बाद फिर मैं लड़ाता हूँ। अभी बाले भाई क्या गलती कर दी थी आपको, डबल करके वापसी उठना नहीं था वो, फिर आपने हाथ मारा तो फिर निकल लिया। राशिद भाई आप लड़ा रहे हैं, बाले भाई की क्या गलती थी इस पेज में? समीर का इस पतंग से दूसरा पेंच है, पहला पेंच समीर ने काटा, बहुत बेहतरीन पेंच काटा, बना नहीं सके वीडियो। नीचे वाली पतंग है कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से, ऊपर वाली पतंग है कैमरे के उल्टे हाथ की तरफ से। पतंग की दूरी तकरीबन 600-650 गज के ऊपर है और पतंग का साइज पट्टी का है। देखते हैं इस पेंच में कौन किसको काटेगा। नवीन समीर ने जैसे दौड़ लगाई है, बाहर की सीधी दौड़ लगाई है,
मैच रोक दिया है और बल चला दी है। ये समीर ने फिर डबल करी, फिर समीर नीचे आया है। यार क्या बकवास है, समीर ऊपर खींच रहे हैं और बहुत आला भाई। समीर ने ऐसी बाहर की पतंग दिखा के खींची है और काट दिया, बहुत आला भाई। समीर पट्टी का मुड़ा रहे पर ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे हद्दी खींचते हैं भाई, खींचने का काम था भाई, पट्टी का मैसेज खींचते हैं भाई। भाई ने पतंग तैयार कर ली है, पहली पतंग उड़ाएंगे राशिद भाई। पट्टी का की पतंग उड़ रही है भाई, बेहतरीन आज राशिद ने देख लिया सीधा आपने देखा, पता कि चुनाव काम करने का फायदा। अभी राशिद भाई ने चीज समझाई थी, अप्लाई करी और हमारी उसमें जीत हुई भाई। उस्तादों के साथ बात करने का यही फायदा होता है, ये फायदा होता है। ये भाई ये पतंग आ रही, थोड़ी सी ये खराब पतंग लग रही है, कन्नी लगेगी इसमें फिर ये सही होगी। चले भाई इसको सही करते हैं पतंग को। ये उल्टे बल की पतंग है जिसको सीधा बल करेंगे, इसको जो है सीधे बल से उड़ाना है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे जो है ना ये गठान मार देंगे कन्नों पे। अब ये देखे, अब आप इस डोर में जो है ना अपना सीधा बल बांधेंगे, ऐसे भाई ये तरीका है भाई उल्टे बल को सीधे बल से उड़ाने के लिए, सही है। चले राशिद भाई ने पतंग चेंज कर लिया, पतंग साइड नहीं हो रही थी, ये राशिद भाई ने दोबारा पतंग बढ़ा ली है भाई। VIP समीर ने दो पेच काट दिए, समीर भाई नहीं करो भाई अपने यार, खाना दे दो खुदा के वास्ते थोड़ा यार। आपका खाना आया हुआ भाई, बिरयानी भी है, पुलाव भी है, क्या खाओगे, रोल भी है, खाओगे रोल? रोल नहीं ये आता काम नहीं करूंगा ये यार। हाय राशिद भाई जल्दी जल्दी दीजिए, भारी का इंतजार है हमें। समीर पतंग तैयार कर रहा है भाई, और अपोनेंट की तरफ से पतंग नहीं है फिलहाल, हम ऊपर हो गए, दो तीन पेज ऊपर हो गए। हमारे राशिद भाई ने बहुत VIP पेज काटा, और अभी राशिद भाई की पतंग खड़ी हुई है सिर्फ, और ये इनकी पतंग आने वाली है भाई, आ गई है आप आएगी फिर पेज बनेगा, फिर आपको पेज दिखाएंगे। राशिद भाई के बाद मेरा नंबर है, फिर मैं पतंग लड़ाऊँ। नाजरीन एक और पेंच बना था, फरमाइए राशिद भाई का दूसरा पेंच है इस पतंग से। नीचे से पेंच ले रहे हैं, कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से है, ऊपर वाली पतंग कैमरे के उल्टे हाथ की तरफ से है। देखते हैं इस पेंच में कौन किसको काटेगा। राशिद भाई ने पतंग ऊपर लगाई, अपोनेंट भी ऊपर गया। राशिद भाई अंदर आ रहे हैं। पतंग की दूरी इस वक्त तकरीबन 600-650 गज के ऊपर है। राशिद भाई ने बलों पे पतंग रखी हुई है, अपोनेंट ने ये अंदर आया, राशिद भाई ने बाहर की दौड़ लगाई, अपोनेंट नीचे आया और यहाँ पे राशिद भाई रुक गए और पेंच फंसाया, और बहुत आला भाई, दो चक्कर लेते के साथ ही अपोनेंट को बहुत अच्छी शिकस्त दी है। ये भाई उस्ताद आज हमारे बहुत VIP उन्होंने लोड दिखाई और काम तमाम किया। समीर लोड दिखा रहे हैं आज हमारे राशिद भाई, और फंस के आपने देख लिया ना कैसी है। राशिद भाई का दूसरा पेज है, तीसरा पेज है पतंग से, राशिद भाई ने बाहर दिखाई और बहुत आला भाई, वीडियो खोल ले करा दी काम तमाम, बहुत आला भाई। राशिद भाई के तीन पेज हो गए इस पतंग से। एक और पेज मिला था, फरमाइए हमारे बाले भाई पेज ले रहे, नीचे से पेज ले रहे, कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से है, ऊपर से अपोनेंट वाली पार्टी पेंच ले रही है, कैमरे उल्टे हाथ की तरफ से है। देखते हैं इस पेंच में कौन किसको काटेगा। पतंग की दूरी तकरीबन 700-800 गज के ऊपर पहुंची हुई है, पट्टी गम का साइज उड़ रहा है। समीर भाई क्या कह रहे हो, आवाज़ आ गई है मुझे यहाँ तक, आवाज़ आ गई थी, सही है भाई। अभी ये बाले भाई अपना पेंच बना रहे हैं, पूरा दौड़ निकाल लें, अंदर फेर रहा है भाई, पतंग दूसरी लाओ, पतंग खराब है। भाले भाई ने बोल दिया पतंग खराब है, पतंग उठा लो कैंटी ले,
पतंग क्योंकि अपोनेंट की बिल्कुल जो है ना गिर रही है, ये देख पूरा राउंड अंदर होके गिर रहा है, अंदर है वो ऐसे पूरी पतंग उनके अपोनेंट की। भाले भाई ने बोल दिया चलो लड़ा लो, कोई बात आइए लड़ा ले लड़ा ले लड़ा ले। ये अपोनेंट ने अंदर का खींचा बाहर का खींचा, अबे जो मेरा सादा बीच काटा है बिल्कुल राउंड पतंग पे काटा है। वाले ने लगाई है जान, अपोनेंट मुंह रख नहीं रहा, भाले भाई आगे ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं। भाले भाई देखा है ना आपकी पतंग बिल्कुल खराब हो गई है, आपकी पतंग रॉन्ग, आपकी पतंग कैंसिल है, डोर पत्ती में कैंसिल है, कैंसिल है, पेज कैंसिल गई है भाई, क्योंकि कैंसिल के बाद आवाज लगाइए, कैंसिल के बाद पतंग पतंग कैंसिल से आपको पहले आवाज लगाई हुई डोर पत्ती हुई है, कैंसिल से पहले आवाज लगाई हुई है धनु पतंग बाद में पड़े पहले कैंसिल आवाज लगाई हुई है। भाई असूलन जो होता है ना वो ये होता है कि अगर पेज बना हुआ और आपकी पतंग फड़ी है तो पेज अगली पार्टी को मिल जाता है, पर भाले भाई ने पहले ही बोल दिया था कि पेज कैंसिल है। भाले भाई यहाँ पे भाले भाई विमानी करना चाह रहे हैं पर यहाँ पे विमानी हम करने नहीं देंगे भाई, पेज दे दिया हमने भाले भाई उनको, पेज हो गया भाई आपका मुमिन भाई, हो गया पेज हो गया। चले राशिद भाई आपका पेज, शुगर मना रहे थे भाई, हसन का पेंच है ऊपर से पेंच ले रहे हैं हसन, नीचे से हमारे अपोनेंट पेंच ले रहे हैं। देखते हैं इस पेंच में हसन क्या करते हैं, बंदा देख के पहले लड़ाते हैं, बड़ा उतार के बड़ा बढ़ा के रखी हुई है अपोनेंट ने पतंग, बहुत कम रखी हुई है, हसन को एडवांटेज भी मिल सकता है डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ये सामने जो खड़े हैं हसन खड़े हैं कैमरे के सीधे हाथ की तरफ से हैं, हसन ने पचंग दिखाई, नीचे आखिरी आखिरी पेंच है भाई, आज पेंच बहुत कम बना सके क्योंकि लड़ाने वाले कम थे, पेंच फंस गया है, पेंच फंस गया है, डोर चल गई है, अब डोर का कमाल है, देखते हैं कौन क्यों काटेगा हसन की पतंग। अरे कैंसिल कैंसिल हो गया भाई पेंच, वाले भाई की पतंग हाथ से टूट गई दोबारा, वो जा रही पतंग, ये जा रही पतंग, नहीं पकड़ पाएंगे, निकल गए, नहीं पकड़ पाओगे वाले भाई, वाले भाई कितना भागोगे। चले हसन भाई का सही पेंच कैंसिल हो गया, हाँ भाई क्या करें, कट गए थे वैसे आप। चले पहले वो जो चली थी ना डोर उसके ऊपर घाव लग गया, मैंने बना ली थोड़ी। चले समीर भाई पैकअप, पैकअप है यार, आवाज लगा दी थी यार, आगे जाकर लगा के फौरन छोड़ी है अभी उस्ताद, जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले हुए हैं अभी, अबे हां ना ऊपर हो खत्म करो यार, उस्ताद कह रहे यार अभी तो उड़ानी है, अब दिमाग का लुल्ला घुमा रहे, अब सारे अनाड़ी है, अरे यार छोड़ दो सारे के सारे अनाड़ी है, टाइम बहुत हो गया यार, चलो ठीक है यार फिर खाना भी खत्म कर लो। चलो भाई मैं हक में नहीं होता है रात देर तक रुकने के, वैसे भी आज हमें उम्र हुआ ही, चलिए मैं अपोनेंट पार्टी है ये हमारी आज, आज ग्राउंड भाई नमक ग्राउंड के अंदर जो है ना सिर्फ हम दो ही पार्टियां उड़ा रही थी, तीन पार्टियां मतलब छः टीमें थी, तीन टीमों का मैच हो रहा था, बहुत अच्छा मैच हो गया, सुकून के साथ पतंगबाज हुई, बहुत सुकून भाई, आखिरी पतंग है समीर भाई ने छोड़ दिए, चले भाई समीर भाई ने सीधा बल जोड़ा भाई, चलो यार समीर ये आखिरी उड़ा के बस पैक कर, मैं सामान पैक कर रहा हूँ, तुम्हारा
सारा पेंच भी दिखा दूंगा ये वाला। अरे भाई हसन भाई शौक अच्छा हो गया। समीर भाई हाँ भाई समीर राशिद भाई शौक अच्छा हो गया आज। बेहतरीन हुआ, बेहतरीन शौक हो गया भाई, मजा आ गया। हमारी अपोनेंट पार्टी आज हमसे नीचे रह गई है भाई, ये उतार लेना यार। उतार रहे पतंग भाई, चले भाई चले भाई, बाले भाई मजा आ गया। हाँ मजा आ गया भाई, शौक हो गया। शुक्र है कि ग्राउंड खुला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। भाई रश रश बहुत था, हाँ सुकून हो गया, सारा रश खत्म हो गया। अभी लोग वीडियो देखेंगे, वापसी आ जाएंगे वाले भाई। अगले चले भाई, चले भाई आप लोग को फिर मिलाते हैं बाद में फिर इंशाल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज भाई। लुटेरों से पतंगे लेने आ गए, ये सड़ेंगे भाई। भाई पतंगे क्यों नहीं दे रहे थे आज हमारी? अरे वो पीछे वाले यार लेके भाग रहे थे यार, ऐसा तो नहीं किया करो ना यार। भाई गोदाम वाले वो पतंग लेके भाग रहे थे आप लोगों का, हम लोगों ने सब पतंगे लेके आया, वो गोदाम के ऊपर गया था, वो भी हमने निकाल के लेके आया। अगले इतवार से फिर आ रहे हो ना पक्का लूटने? इंशाल्लाह सब आएंगे लड़के अगले इतवार, फिर मैं जाऊंगा अपना गाँव, ये लोग आएंगे। पतंग एक भी जाया नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होएंगे भाई। चलो ठीक है, ओके भाई। अभी अभी सब अभी हम लोगों को पतंग चाहिए, कल हम लोग लाएंगे, हम लोगों को पुराना पतंग दियो। आप सारी बड़ी पतंगे अभी तो आपको लाने की है, सारी पतंग। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। ओ मेरा बैग है, किसी और को डाले, मेरा बैग है ये तो। चले भाइयों भाई, ऐसी हंसी खुशी रहा करो, मुस्कुराते रहा करो भाई। चले भाई ओके भाई, सब आपस में भाई भाई है भाई। ओके भाई कौन सा चलने भाई? पादी 05 जो तुमने पतंगे छुपाई है ना उन पे लिखा हुआ होगा, उन पे लिखा हुआ होगा। सही है, चलो भाई ओके अल्लाह हाफिज़।